दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने रहे हैं तो आपने साल 2003 की सुपर डुपर हिट फिल्म तेरे नाम तो जरूर ही देखी होगी, जिसमें हमें राधे और निर्जला की ऐसी अनोखी प्रेम कहानी देखने को मिली थी जिसे भुला पाना लोगों के लिए आज भी मुश्किल है। और आखिरकार ये फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि फिल्म के कलाकारों ने इसे बहुत बखूबी से पर्दे पर उतारा था। तभी तो फिल्म से कई कलाकार भी खूब फेमस हुए थे जिन्हें आज भी उनके किरदारों के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज फिल्म को रिलीज हुए करीब 19 साल हो चुके हैं और बीते 19 सालों में फिल्म के कलाकार भी इतने ज्यादा बदल गए हैं कि शायद ही आप इन्हें पहली नजर में पहचान पाए। जी हाँ, और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म के कुछ चुनिंदा कलाकारों के आज के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं नंबर 6 अनक देसाई। सबसे पहले बात करते हैं मूवी में राधे के डॉक्टर के तौर पर दिखाए गए एक्टर अनक देसाई के बारे में। तो बीते 19 सालों में आज 69 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में पहले के मुताबिक काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। हालांकि इन्होंने आज भी अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखा है और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा यंग एंड हैंडसम नजर आते हैं, जिन्हें हम कोट पैंट में देखते हैं और आज उनके चेहरे पर रैशेस साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही बता दिए, फिलहाल मुंबई में अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, जहां रहते हुए इन्हें आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें आपने कुछ समय पहले विद्रोही सीरियल में देखा होगा। नंबर 5 सविता प्रभु ने। जी हाँ, अभिनेत्री सविता प्रभु ने वही है जिन्हें आपने मूवी में राधे की भाभी के किरदार में देखा था और इस किरदार में इन्होंने अपने आप को काफी खूबसूरती से पर्दे पर प्रेजेंट किया था। बता दें, आज ये अपनी 58 इयर्स की उम्र पार कर चुकी है और इस उम्र में काफी ज्यादा सिंपल दिखाई देती है, जिन्हें ज्यादातर ट्रेडिशनल लुक में देखा जाता है और ये काफी ज्यादा सिंपल मेकअप के साथ नजर आती है। इसी के साथ इन्होंने भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो कि फिलहाल मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हुए अनुपमा सीरियल के लिए जानी जाती है। नंबर 4 सौरभ दुबे। अब बात करें फिल्म में पंडित के किरदार में नजर आने वाले अभिनेता सौरभ दुबे के बारे में, तो बता दें बीते 19 सालों में ये भी काफी ज्यादा बदल गए। हालांकि पहले की तरह आज भी इनका बाल लुक देखा जाता है और आज ये पहले जितने यंग नहीं दिखाई देते, जिनके फेस पर रैशेज साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, ये फिलहाल मुंबई में कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा है। नंबर 3 राधिका चौधरी। फिल्म में मेंटल डिसऑर्डर लड़की के तौर पर नजर आई अभिनेत्री राधिका चौधरी को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने अपने आप को इस किरदार में बखूबी पर्दे पर उतारा था। वहीं बता दें, बीते 19 सालों में ये काफी ज्यादा बदल गई है और आज ये अपनी 34 साल की उम्र पार कर चुकी है कि पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आती है, जिनके बदले हुए ड्रेसिंग सेंस को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसी के साथ ही बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्हें पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पर इन्होंने नहीं डाली है, पर आज भी इन्होंने अपना करियर सक्रिय रखा है, जिन्हें आप जल्द ही लाल सिंह चड्ढा फिल्म में देखने वाले हैं। नंबर 2 भूमिका चावला। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर निर्जला का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री भूमिका चावला ने अपने इस किरदार से देश भर के लोगों का दिल जीत लिया था और इनकी आज उम्र 43 साल की हो चुकी है और अपनी इस उम्र में पहले से भी ज़्यादा ये खूबसूरत नज़र आने लगी है, जिनका ड्रेसिंग सेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, जहाँ ये आज काफ़ी स्टाइलिश कपड़ों में नज़र आती है। और इन्होंने भी अपने अभिनय करियर को एक्टिव रखा हुआ है, जिन्हें कुछ समय पहले ही फिल्म ऑपरेशन रोमियो में देखा गया था। नंबर 1 सलमान खान। सुपरस्टार सलमान खान की बात की जाए तो उन्होंने फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर राधे का किरदार अदा किया था, जिस किरदार में इन्हें बीच की मांग निकालकर काफी यूनिक लुक में हमने इन्हें देखा था। लेकिन बता दें, फिल्म में अनोखे अंदाज में दिखाई दिए अभिनेता सलमान खान बीते 19 सालों में काफी बदल गए हैं और आज ये अपनी 56 साल की उम्र पार कर चुके हैं और ये काफी हेल्दी भी हो चुके हैं, जिसके चलते इनका ये बदला रूप देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बता दें पहले की तरह आज भी सिंगल है और सिंगल ही अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं और अपने अभिनय करियर को इन्होंने भी बरकरार रखा है। तो दोस्तों, फिल्म में इन कलाकारों में से किसके बदले हुए रूप को देखकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।